कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ, ऐसे एक शख्स की कहानी हम बताने जा रहे हैं जिसने अपने संघर्ष के दम पर 74 साल पुराने एक मिथक को तोड़ दिया। आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्या है, तो इनसे मिलिए। ये हैं मुजफ्फरपुर के राकेश कुमार। 10 सितंबर को इन्होंने राजकीय प्राथमिक विद्यालय बरकुरबा तुर्की में शिक्षक के रूप में योगदान दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि राकेश कुमार ने क्या कारनामा किया है। दरअसल मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड के सुहागपुर गांव में पहली बार किसी युवक की सरकारी नौकरी लगी है। सरकारी सेवा में बहाली होने पर ग्रामीणों में खुशी की लहर फैल गई है। शिवदासपुर पंचायत के सुहागपुर निवासी राकेश कुमार की नियुक्ति शिक्षक के रूप में हुई है। राकेश अपने गांव में पहले ऐसे शख्स हैं जिन्हें आजादी के बाद यानी 74 साल बाद सरकारी नौकरी लगी है। राकेश ने बताया कि काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा। पिता की मृत्यु के बाद ट्यूशन पढ़ाकर पढ़ाई और तैयारी की, तब जाकर उन्हें ये सफलता मिली। मुझे बहुत सी कठिनाइयों से सामना करते हुए मैं इस मुकाम को हासिल किया। 2016 में जब पिताजी एक्सपायर कर गए, गुजर गए, उसके बाद हमको बहुत सारी कठिनाइयाँ आर्थिक परेशानी से जूझना पड़ा और मैं उसके बाद अपना ट्यूशन चला करके और आर्थिक परेशानी को दूर करते हुए मैं इस मुकाम को हासिल किया। और मेरे साथ कोई भी सहयोग के रूप में नहीं दिखते थे और मैं खुद इस चीज़ को करने के लिए लालसा मुझे थी कि मैं इस गांव में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है उसके मिथ्या को मैं तोड़ दूं। और यही मेरा एक लक्ष्य था कि सरकारी नौकरी करना है। कहाँ पढ़ाई की है आप? मैं मुजफ्फरपुर में रह के, मेरे पिताजी 2003 में मुजफ्फरपुर रख दिए और वहाँ मेरी पढ़ाई हुई और 3 के बाद 8 में मैंने मैट्रिक पास किया और 10 में 74% मार्क्स से इंटरमीडिएट RDS कॉलेज से पास किया। आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद किसी को सरकारी नौकरी नहीं थी इस गांव में? नहीं, इस गांव में आज़ादी के बाद कोई भी सरकारी नौकरी नहीं हुई और लोग सरकारी नौकरी के प्रति तैयारियां नहीं करते थे और मेरी लालसा थी कि मैं सरकारी नौकरी में ही जाऊँ। आपको बता दें कि ये गांव लगभग 2000 लोगों की आबादी वाला है, लेकिन आज तक किसी को सरकारी सेवक बनने की सफलता हाथ नहीं लगी थी। गांव के स्वर्गीय रामलाल चौधरी के पुत्र राकेश कुमार ने अपनी सच्ची लगन और मेहनत के बदौलत इस मुकाम को हासिल कर दिखाया। राकेश ने गांव में शिक्षा दीक्षा के बाद MCOM की पढ़ाई दरभंगा यूनिवर्सिटी से की और उसके बाद राजस्थान से BED की परीक्षा पास की, जिसके बाद बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई और वो सफलता हासिल कर अपने मुकाम तक पहुंच गए हैं। इस सफलता की बात सुनकर स्थानीय लोग भी काफी खुश हैं और गांव वालों का कहना है कि आजादी के बाद ये पहला लड़का है जो अपनी मेहनत और लगन के बदौलत अपने गांव का नाम रोशन किया है। आजादी के बाद पहली बार ये सौभाग्य मिला है इस गाँव का कि राकेश कुमार चौधरी, ग्राम सुहागपुर वासी, पहली बार सरकारी कार्य में स्थगित कहीं पर हुए हैं, जिसके लिए उन्हें बहुत सारी बधाई देते हैं। अब गांव के युवाओं और बच्चों को राकेश से सीख लेने और सच्ची लगन और मेहनत से पढ़ाई करने की जरूरत है। अगर सच्ची लगन और निष्ठा से बच्चे लगे रहे तो उनका मुकाम उनकी झोली में अपने आप आ जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण राकेश। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण की रिपोर्ट, बिहार तक।